अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद डॉक्टर सोनिया। मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और डिलीशियस बटर चिकन की रेसिपी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन बोनलेस लिया है मैंने, चेस्ट पीसेस को स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है और ये तकरीबन 300 ग्राम है। आप थाई पीसेस भी ले सकते हो। नमक मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और दही शामिल करेंगे 1/2 कप। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए आप मैरिनेशन के लिए रख दें। ऑयल 1 to 2 टेबल स्पून ऐड करके इसमें छोटी प्याज कटी हुई ऐड कर दें। व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट सी हो जाए तो आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटोज, 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको जस्ट स्टर फ्राई कर लें और फिर 1 कप पानी शामिल कर दें और कवर करके सॉफ्ट होने दें। 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लें एक पैन में और उसमें चिकन, मैरिनेटेड चिकन ऐड करके आपने इतना इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। कलर चेंज आपने इसका नहीं करना, जस्ट ऑयल सेपरेट हो तो आप इसको फ्लेम को बंद कर दें। टमाटर और प्याज रूम टेम्परेचर पे आ गए थे तो मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है। आप 2 से 3 टेबल स्पून बटर ऐड कर दें उसी पैन में, थोड़ा मेल्ट कर लें बटर को और फिर एक छाननी ले लें और उसमें आप प्योरी को अच्छी तरह से छान लें ताकि स्मूथ सी ग्रेवी हमारी रेडी हो। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो अगर आप इसको नहीं छानना चाहते हो तो। चिकन ऐड कर दें जैसे ही बॉयल आ जाए तो, और फिर इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला मैंने ऐड किया है। कवर कर दें चिकन के अच्छी तरह गलने तक, क्योंकि ऑलरेडी 70% चिकन गला हुआ था। अब मैंने इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड किया है, कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर लें आप और मिक्स कर लें। अब इसकी फाइनल जो सर्विंग में कसूरी मेथी शामिल करें, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऐड किए मैंने, और बटर शामिल करें, क्रीम ऐड करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।